हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MySirG.com के इस चैनल पे, जहां पर हम लोग देख रहे हैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स। और ये मैंने एक सब सीरीज स्टार्ट की हुई है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। कई सारे एग्जाम्स ऐसे हो रहे हैं या कई सारे कैंपस ड्राइव में इस तरह का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है कि हम कमांड लाइन के थ्रू इनपुट्स देंगे और आपको प्रोसेसिंग करनी होगी। तो कई स्टूडेंट्स कमांड लाइन्स आर्ग्यूमेंट्स में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इस वजह से मैंने ये सीरीज बनाई हुई है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू ऐड एन नंबर्स सप्लाइड एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, यानी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम डेटा सप्लाई करेंगे और कितने भी नंबर्स यूजर सप्लाई कर सकता है और हमें उनको ऐड करना है। तो चलिए बनाते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या चीज है, पहले उसको समझ लेते हैं। हमारे पास, हम जानते हैं, मेन फंक्शन में हम दो चीजें मेंशन करते हैं एज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट argc की, जो कि आर्ग्यूमेंट्स को काउंट करता है कितने आर्ग्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं, और दूसरा होता है कैर टाइप का एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो कैर स्टार नाम रख लेते हैं argv और खाली स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब कमांड लाइन के थ्रू जैसे यूजर ने इनपुट किया, सबसे पहले तो वो हमारे प्रोग्राम का नाम लिखेगा, जो कि खुद में एक पहला आर्ग्यूमेंट होता है। उसके बाद फिर लेट से कुछ नंबर्स उसने लिखे, 24 स्पेस से सेपरेट करते हुए 36, 51, 82, इस तरीके से नंबर्स आए। तो ये नंबर्स को मुझे ऐड करना है। तो इसमें पहला चैलेंज तो ये है कि नंबर जो यहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं, ये एज अ स्ट्रिंग हम रिसीव करते हैं, क्योंकि ये जो कैर टाइप का एरे ऑफ पॉइंटर्स है, ये बेसिकली क्या है, argv, ये एक एरे है। किस टाइप का एरे? पॉइंटर्स का एरे। अब क्योंकि पांच आर्ग्यूमेंट्स यहाँ सप्लाई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कमांड लाइन में ये पांच वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो इसलिए ये एरे में पांच ब्लॉक्स होंगे। और ये जो एरे होगा argv नाम का, इस एरे का नाम क्या है, argv। इस एरे के अंदर ये जो पांच वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। तो पहली स्ट्रिंग जो रिसीव होगी वो होगी जो आपका पहला आर्ग्यूमेंट है a2, तो उसका एड्रेस ये कंटेन करेगा कौन, argv0। तो ये पूरा एरे है जिसका नाम है argv, argv0 में आ चुका है a2 एज अ स्ट्रिंग। इसी प्रकार से अगला जो आर्ग्यूमेंट है वो है 24 एज अ स्ट्रिंग, और इसका एड्रेस कंटेन कर रहा है argv1। इसी प्रकार से अगला आर्ग्यूमेंट है 36 और इसको पॉइंट कर रहा है argv2। इसी प्रकार से अगला आर्ग्यूमेंट है 51 और इसको पॉइंट कर रहा है argv3। और इसी प्रकार से एक और आर्ग्यूमेंट है 82 और इसको भी एज अ स्ट्रिंग हम देख रहे हैं, क्योंकि पॉइंट कर रहा है argv4। अब ये argv0, argv1, ये क्या है, कैर टाइप के पॉइंटर्स हैं, इसलिए ये जो भी रिसीव कर रहे हैं इसको हम स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो पहली जरूरत तो ये है कि हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें इंट में, और इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था स्ट्रिंग टू इंट, आपको याद होगा। इसमें मैं जो भी स्ट्रिंग पास करता हूं ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अब लेकिन हमें a2 को ऐड नहीं करना, हमें ऐड करना है 24, 36, 51 और 82 को। तो हमारे को ये मालूम है कि इंडेक्स नंबर 1 से, देखिए इंडेक्स नंबर 0 पे यानी argv0 में तो a2 रखा है, argv1 जिसको पॉइंट कर रहा है वो है 24, तो हमें इंडेक्स नंबर 1 से लेके 4 तक ऐड कराना है। लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि यूजर कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता था। अभी फिलहाल इसने 82 तक दिया है, यानी टोटल पांच आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो ज़्यादा भी दे सकता था और कम भी दे सकता था, हमारे को दोनों सिचुएशन के हिसाब से तैयार रहना है। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग टू इंट फंक्शन है ये हमने लास्ट लेक्चर में बना लिया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का। और ये वीडियोस आपको ढूंढने में दिक्कत जाती हो तो आप MySirG.com वेबसाइट को जरूर विजिट कर ले, क्योंकि MySirG.com वेबसाइट में ये सारे वीडियोस बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में है, तो आपको पता चलेगा कि इसके पहले वाला वीडियो कौन सा था, इसके बाद कौन सा वीडियो, इस तरह से। तो आप जरूर विजिट करिएगा MySirG.com, ठीक है, इसको विजिट करना मत भूलिएगा। ओके, अब हम प्रोग्राम बनाते हैं, लॉजिक हमें समझ में आ रहा है। ये देखिए मैंने स्ट्रिंग टू इंट वाला कोड बना के रखा हुआ है, और ये कोड को मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी इस पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है। आप सीधे सीधे इस फंक्शन को कॉल करिए, ये
स्ट्रिंग इसमें जो पास करेंगे उसका इंटीजर ये कन्वर्ट करके दे देगा। चलिए अब देखते हैं कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक लूप लगाने के लिए आई वेरिएबल बना लिया है, साथ में हम जो सम करने वाले हैं उसके लिए वेरिएबल बना लिया और उसमें इनिशियलाइज कर दिया है जीरो से। अब हम एक लूप लगाना चाहते हैं जो आई की वैल्यू वन से स्टार्ट होगा। ओके, वन से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि इंडेक्स नंबर वन से मुझे हैंडलिंग करनी है। अभी हमने तय किया था ARGV 0 में जो डेटा रखा है उसको ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमारे प्रोग्राम का नाम है, हमें ARGV 1 से स्टार्ट करना है, इसलिए इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और I की वैल्यू लेस देन हम चलाएंगे ARGC। ARGC क्या है? आर्ग्यूमेंट काउंट। जैसे कि 5 आर्ग्यूमेंट्स पास हुए थे, नंबर्स 4 थे पर 5 आर्ग्यूमेंट पास हुए थे, A2 भी लिखा था हमने सबसे पहले प्रोग्राम का नाम, तो ये जो 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं इसलिए ARGC की वैल्यू रही होगी 5। तो 5 से कम तक चलना है, तो आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4 बस 4 बार ये चलेगा और 4 ही नंबर से हम जानते हैं, और हर बार आई को हम इंक्रीमेंट कराते जाएंगे। और हर बार हमें क्या करना होगा, हमें ऐड अप करना, यानी सम में असाइन करेंगे। ये क्यूमुलेटिव स्टाइल में हम सम करते हैं, हमें आपने बनाया होगा प्रोग्राम सम ऑफ एन नंबर्स का भी, एन नेचुरल नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं ग्रेजुअली सम करते जाते हैं, हम सम में ऐड कर देते हैं वो नंबर। अब नंबर कहाँ से आएगा? ARGVI। लेकिन ARGVI तो स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को इंट में, और इसके लिए मैंने ये आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर दिया। तो ये बदले में हमें रिटर्न करके दे देगा एक इंटीजर वैल्यू जो ARGVI के अंदर होगी, यानी ARGV1। आई की वैल्यू शुरुआत में 1 है तो ARGV1। ARGV1 का मतलब क्या हो गया? जो पहला आर्ग्यूमेंट था दैट इज 24, राइट? हम लोगों ने यहाँ सपोज किया हुआ था, आप देखें कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये जो ARGV1 में है आर्ग्यूमेंट वो क्या है 24, तो 24 इसमें पास हुआ है, तो 24 का इंटीजर बनके 24 रिटर्न हो जाएगा। सम में 0 था तो 0 प्लस 24 हो जाएगा। ओके, आपको हो सकता है ये देखने में दिक्कत आ रही हो, अभी आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मैंने आई और सम नाम का वेरिएबल बनाया। सम को इनिशियलाइज करेंगे जीरो से, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ क्यूमुलेटिव स्टाइल में सम होता जा रहा है। ये फॉर के अंदर लूप की बॉडी के अंदर बस ये एक लाइन लिखी हुई है जो रिपीट होने वाली है, तो सबसे पहले क्या चलेगी ये लाइन, जब आई की वैल्यू 1 है तो सम की वैल्यू 0 है, 0 प्लस ARGV 0 में जो इंटीजर वैल्यू रखी है वो, तो दैट इज 24। तो 0 प्लस 24 होने वाला है, फिर 24 अगली बार क्योंकि सम की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो 24 प्लस 36 होने वाला है, तो वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ऐसे करके सम में वैल्यू एक्यूमुलेट होती जाएगी। अब मुझे सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट कराना है, तो मैं लूप की बॉडी के बाहर लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ लिख देता हूँ सम इज, ठीक है, सम इज परसेंट डी, और प्रिंट करा देता हूँ सम वेरिएबल की वैल्यू। तो इस तरीके से कितने भी आर्ग्यूमेंट सप्लाई होंगे हमारा ये प्रोग्राम वर्क करेगा। तो चलिए अब इसको चला के और देख लेते हैं, लेकिन कमांड लाइन के थ्रू हमें इसको चलाना है, तो अभी सिर्फ यहाँ पर बिल्ड करेंगे। ओके, मैंने बिल्ड कर दिया है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखने वाले हैं। तो ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर अब मैं लिखने वाला हूँ। आप देखिएगा, सबसे पहले तो हमें प्रोग्राम का नाम लिखना है, दैट इज़ A2, और हमने तय किया कि हम इसमें वैल्यू पास करेंगे 24, 36, 51 और 82, ठीक है। तो ये देखिए उसका सम दे रहा है 193, आप जोड़ के देख सकते हैं। आप कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, सिंपल सी वैल्यू जिसको कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो, जैसे मैंने 11 और 10 दिया तो इट इज़ 21। आप जितनी वैल्यू देना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी 1, एक वैल्यू दे देता हूँ 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक वैल्यूज़ हैं, इसका सम होता है 36। तो आप देख सकते हैं कितने भी नंबर्स का हम यहाँ। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ये पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये मेन फंक्शन बनाया हमने और ये स्ट्रिंग टू इंट फंक्शन है जिसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने समझाया था। तो आई गेस आपको अब एक तरीका मिल चुका है कि कैसे हम कमांड लाइन के थ्रू इंटीजर्स लेंगे और कैसे हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलिए, अब अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए, जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, और अगर बेहद पसंद आया है तो इसको शेयर भी कर दीजिए। कमेंट्स करिए अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ आपका डाउट है
या कुछ भी कमेंट आपको करना है, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है वो आप कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो मैं पब्लिश करता हूँ, और जब भी क्या, मैं तो डेली ही वीडियोस पब्लिश करता हूँ, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो लॉजिक आप बहुत समय से तलाश रहे थे और वही कंटेंट मैं आपको यहाँ पर उस दिन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो आपके पास कम से कम नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज ये वाला वीडियो पब्लिश हुआ है, देखना है तो देखेंगे हम। इसके अलावा भी अगर आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे एक से ज़्यादा YouTube चैनल्स हैं, तो हो सकता है इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करें कि मेरी वेबसाइट पे जाएं MySirG.com, जहाँ पर सारे के सारे वीडियोस बहुत ही प्रॉपर तरीके से रखे हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए, और उसको डेफिनेटली आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा। 12-15 कोर्सेज वहाँ पे बने हुए हैं, या और भी बहुत सारे डाउनलोड करने के लिए कंटेंट है, प्रोजेक्ट्स है, ढेर सारे काम की चीज़ें आपकी, तो एक बार विजिट करिए, और अगर पसंद आए तो दूसरों को उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत लोगों को हेल्प कर रही है, तो हो सकता है आपके कहने पर कई लोगों को और हेल्प करे। थैंक यू।